Last night we had something. Welcome back to another vlog. और भाई अभी आपको ये वॉल काफी डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि पहले यहाँ पर वॉलपेपर था और अभी ये बिल्कुल व्हाइट है और ब्राइट है टाइड की जरा. छोटे छोटे एडिशन तो कर रही हूँ, जैसे ये छोटा सा एक प्लांट है जो मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट किया और ये काफी टाइम पहले उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, बट मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं बन रही थी और यहाँ पर मुझे ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी बिल्कुल सूट कर रहा है, सो इसलिए मैंने ये एक प्लांट यहाँ पर रख दिया. मुझे वैसे ऐसे प्लांट्स काफी अच्छे लगते हैं. और बाकी अगर आपको लग रहा है कि मेरे पजामा और मेरे टी शर्ट का कलर डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है, घर में ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, ट्राउजर कोई और, शर्ट कोई और, आई मीन ऐसे अच्छा लगता है, यू इजी फील कर रहे, मतलब घर में थोड़ा इजी रहना चाहिए भाई. एनीवे मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा नीट नीट लुक आ रही है. अभी बहुत सारी स्पेशली इस वाली वॉल पर काफी कुछ ऐड करने की जरूरत है. अभी मैं एडिटिंग कर रही थी और भाई ये मेरे बहुत ही फेवरेट कलर के हेडफोन्स हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं. मैं अगर ये देखो यहाँ से इनकी स्किन उतर चुकी हुई है, इनकी जान ही छोड़ दी जब तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, क्योंकि मुझे कलर बहुत पसंद है. अगर दोबारा से मुझे ये वाला कलर मिलेगा तो मैं ले लूंगी. अच्छा, एक और जो एडिशन हुआ है वो ये है इस लैम्प का. ये लैम्प मेरे पापा जी ने, मतलब मेरे अब्बू ने अभी ला कर रखा है, जब वो सऊदीया में थे तो तब वो लेकर आए थे. मैं इसकी लाइट ऑन करती हूँ. सो इसकी लाइट ऑन करें तो ऐसा कुछ कलर आता है, वैसे नीचे ग्रीन कलर है, विच आई डोंट लाइक, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी जगह पर मैं गोल्डन वाला ही लगाऊंगी क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा. लाइट ऑफ करके आपको दिखा दूंगी कैसा आएगा. वाओ, नाइस, अच्छा है यार. वैसे भी दोनों वॉल्स पर भी इफेक्ट अच्छा जा रहा है. एक दो लाइट्स और मैं लेकर आई हूँ, वो भी रूम में भी लगवाऊंगी, थोड़ा बैकग्राउंड भी जो है वो चेंज करना है. उसके लिए भी मौसम अभी गया हुआ है, फोकस लाइट जो होती है वो, और साथ में फ्रेम्स कुछ बनवाए हैं नए, वो लेने गया है. सो मुझे पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने अपनी तरफ से ये जो बैकग्राउंड करवाया, मुझे लगा कि ये वीडियोस में बहुत अच्छा लगेगा. जिस दिन कलर हुआ, आई मीन दोबारा से चेंज किया, ग्रीन से ग्रे करवाया और रिएक्शन वीडियो बनाई, तो आई वाज अगेन वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि जो मुझे रिजल्ट नहीं मिला जो मैंने सोचा था, तो काफी मुझे टेंशन लगी रही. मतलब कल का मेरा दिन इतना बकवास गुजर रहा था, इतनी ज्यादा टेंशन थी जब पहले दिन ग्रे कलर के साथ रिएक्शन वीडियो जो है वो अपलोड की मैंने. थैंक गॉड जब आप लोगों को पसंद आई, थोड़ा थोड़ा मुझे हौसला मिला, नहीं नहीं बेटर है. और फिर उसके बाद मैं तो इस पॉइंट पर आ चुकी हुई थी कि भाई अब इसको चेंज करके वॉलपेपर लगवा लेती हूँ. मेरी बहन ने कहा कि नहीं अच्छा लग रहा है, इस पर जो प्रॉप्स ऐड करोगी तो वो अच्छा लगेगा. सो मैंने कहा ठीक है ये भी करके देख लेते हैं, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो फिर उसके बाद में डिसाइड कर लेंगे. तो फिर मेरा प्लान चेंज हुआ कि नहीं अभी मुझे प्रॉप्स ऐड कर लेने चाहिए, मौसम आएगा, फ्रेम्स लेकर लाइट लेकर आएगा, लाइट वगैरह लगवाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक बेटर हो जाएगा. ये देखें बेचारा मौसम थका हारा हुआ आया है, हारा हुआ. और ये हमारे फ्रेम्स आ गए हैं, ये वाव, मौसम मुझे पसंद आए और मैं प्रसन्न हुई आपकी इस तरह की कोशिश. आपने तस्वीर में दिखाया, यस, वेरी नाइस. वो थोड़ा मोटे वाला था, मैंने लेके आया है. हाँ वजी कैसे हैं? इसके ऊपर व्हाइट पे लगाने के लिए. आपू, वेयर इज आपू? अच्छा है ये साइज. ये मौसम क्या उसने पेंट किया ऊपर? नहीं, हाँ के है ही व्हाइट. अच्छा, वाह व्हाइट. ये अपने पास रख लो हम लोग, क्योंकि अभी पिक्चर्स हम लेने निकलवाई नहीं ना. ये भैया आपकी जिम्मेदारी है, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली. तो मोदन तुमने ही मेरे साथ जाना है ना लेने? मैंने जाना है, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने कहा. अच्छा, ये मेरी जिम्मेदारी है. व्हाइट कलर की हमने लाइट्स भी मंगवाई है, ग्रे कलर के बैकग्राउंड भी लगाने. खज्जल कर आया ना, क्यों मिली नहीं थी की ओके एक हाँ. अच्छा 1600 इसका बना आपका. अच्छा, और 900 रुपया फ्रेम का बना. ओके टोटल ठीक है भाई, माफी नहीं है मुझे भी. ये कभी बंद हो जाए ना चलना, तो मोस्टली जो है ना बल्ब खराब होता है. ठीक है, तो फिर बल्ब जो है वो चेंज करा लेंगे 50 रुपए का बल्ब. इतनी अच्छी है, मैं कह रहा हूँ पानी पूछा है, पानी पी लो भाई. आप कौन से बच्चे हो क्या? पानी लिए बच्चे से मुझे याद आया मौसम, तुम्हें पता है वो वॉल सिटी में ना, दिल्ली गेट में ना बच्चा अगवा कर रही थी, औरत पकड़ी गई. हाँ वीडियो, अच्छा वीडियो भेजी. बहुत बच्चे अगवा हो रहे हैं, मार्केट में भी हर बंदा यही बात. मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, मेरे को डर लग रहा था. मैं एंजेला बैठे चाय पी रहा था, वहाँ पे हर बंदा आता हूँ, मेरे को शूट लग रहा था. डर लगता है सच में, बुला लेते हैं खराब होना, आपको डर तो लगता है. अभी जूम इन करते हैं और जूम आउट, जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, ज्यादा हो गया है. कल ही होगा कि सेटिंग एक दो दिन में ही होगी,
और फिर ही पता चलेगा बच्चे आ रहे हैं आगे मेरे बच्चों वाले घर में। जारू हरीम आपको मामू से डांट पड़ जानी है। ये जारू का क्या है, ये जारू की ड्रेस है? अच्छा चलो ठीक है बाय। ये जारू शावर ले रही है। जारू शावर ले रही हो? कैसे ले रहे हैं शावर बताओ? और क्या चाहिए आपको? टावल। कहाँ है शैम्पू? कहाँ है शैम्पू? ये शैम्पू, ये तो हेयर पिन है। ओके ओके भाई शैम्पू लग रहा है। ये टावल दिया आपने? ये टावल है। मुझे अभी पास्ता बनाना है क्योंकि कहफ की फरमाइश है, तो अभी पास्ता बनाएंगे और फिर मज़े से खाएंगे। तो गाइस वाइट सॉस जो है वो रेडी हो चुकी हुई है और साथ में जो वेजिटेबल्स थी मैंने सौते कर ली हैं और ये वेज पास्ता बन रहा है। और इसके अंदर जो मशरूम्स हैं उनको पहले अच्छे से फ्राई करना है। बस बस। सो गाइस सॉस जो है वो काफ़ी थिक बनी है। लास्ट टाइम पर जो मैंने बनाई थी इतनी थिक नहीं बनी थी, तो इसमें तो काफ़ी बेहतर बन गई है। और अब इसमें हम डाल देंगे सारी वेजीज। आज तुम लोग मेरे हाथ चूम चूम के शुक्रिया अदा करोगे। वाओ ओए पास्ता बहुत भाई मजे का लग रहा है सच में। डिलिशियस, बहुत ही मजे वाली फीलिंग आ रही भाई। पसीना तो बहुत आ गया है बट ये बहुत मजे का। जल्दी से यार ये हाइने नहीं खाते, थोड़ी सी खा के बस टेस्ट करके बता के सी है। बहुत टेस्टी है ना, मुझे भी पता है। बाजी आप ही बता दे कैसी है, मैं आपकी तरफ कैमरा नहीं कर रही। थैंक यू। हेलो मौसम। हेलो। मैंने कहा तुम्हारे कमरे में आ जाती हूँ, मैं बोर हो रही थी। और भाई ये देखिए जरा लड़कों के काम, खाना खाने के बाद बर्तन वहाँ पर ही रख दिए जाते हैं। मैं तो नहीं लेके जा रही भाई। ये किसका आया सामान? तुम दूसरों को तो बोल रही हो तुम्हारा ब्लैंकेट है, ये तो तुम्हारा ब्लैंकेट है। हाँ तो उन्होंने कहा तुम सबका सामान बाहर फेंकते हो ना, हम तुम्हारा सामान बाहर फेंकेंगे। अच्छा मौसम, अभी मैंने कमेंट पढ़ा किसी ने ना मशवरा दिया कि तुम अपनी वॉल पर ना मैप लगाओ, डिम लाइट। मैंने मैप वाला क्लॉक देखा था, आई डोंट लाइक इट, पसंद नहीं आया। मैं पसंद है वैसे तो, तुम ले लेना। मैं तुम्हें ना एक लाइट दिखाने आई हूँ जो रूम में लगाते हैं और उसमें ऑप्शन है डिम करने की भी, ब्राइट करने की भी, और साथ में रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल है सबसे अच्छी बात है, आपको हिलना नहीं पड़ेगा। स्पॉन्सर, जितनी तूने मुझे लाइट स्पॉन्सर की है ना कल, कैसे तू उस टाइम पर कह रहा था मैं क्यों ऐड करूं पैसे, आपका कमरा है ना, याद आया? मैं आपको मौसम का कमरा दिखाने लगी कि मौसम कमरे में कितना प्यार है, लव वाली इसको बुक्स मिली थी। हड्डियां भी बीच में रखी हुई है, देख हड्डियां चबा लेता। इन शॉर्ट कहने का मेरा मतलब ये था मौसम के ना खा के ना जरा हिलते हैं, खाना हजम जल्दी हो जाता है। हाँ बस। A few moments later. मौसम ये क्या है मेरे लिए, गिफ्ट है? किधर से? ऊपर से। तो क्या हुआ, याद है तूने एक मतलब मेरा गिरा के बोला था इधर से ही? मौसम कर्मा, दिस इज कॉल्ड कर्मा। मैं तकरीबन 10 मिनट के बाद आई हूँ, मेरे बर्तन फिर वहाँ पे पड़े हुए हैं, गंदगी की तहा है मौसम। चलो भाई कट कट करो। मौसम है क्या ये लैपटॉप का? अच्छा कितने का मंगवाया? ये मुझे पड़ा है 1600 रुपए का। ये तुम्हें पड़ा है? हाँ। कहाँ से पड़ा है तुम्हें? सस्ता पड़ा है ना मार्केट से, 1600 रुपए का मिला। हाँ। अच्छा दिखाओ, मुझे लगा शायद
कोई सीनरी है नहीं खाने वाली चीज नहीं चल चेना का माल होगा चेना का नहीं वैसे ज्यादातर ऐसे टेबल चाइना के मिलते हैं ना पाकिस्तान में हमने तो मार्केट से लिया था पाकिस्तान से तो हमें तो पाकिस्तान का लग रहा है ना चीना कमाल चीना कमाल वाओ मौजम इस पर तो हम खाना भी खा सकते हैं तो काफी बड़ा है मौजम ऐसे खाने वाला ही टेबल है साथ साथ खाएं और इंजॉय करें यार सही है यार अच्छा मौजम 1600 का नॉट बैड यार भी है और कंफर्ट भी है हाँ अब मैं ये इस्तेमाल करूंगी तुम ये वाला इस्तेमाल करो क्योंकि तुमने इसकी टांग तोड़ी हुई है मैंने जोड़ दी है नहीं मैं फिर भी ये वाला इस्तेमाल करूंगी सॉरी किसको इसको मत कर सॉरी मुझे ये बहुत हार्ड है अजीब सही है लकड़ी को इसमें ना इसमें थोड़ा सा वो छोटा सा मैट रख लेना मैंने तो कुछ रखना नहीं यार रख ले तू गंद डालता रहता कभी बंदा मतलब साफ सुथरा रहता सोना लगता है ये 100% कंफर्म है मेड इन पाकिस्तान है कसम से फिनिशिंग कितनी अच्छी है हाँ वैसे यहाँ से भी देखो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए अगर बाहर का होता ना तो इन चाइना से आया होता तो फिनिशिंग बहुत अच्छी होती नहीं अच्छा है यार 1600 के लिहाज से बहुत अच्छा है तो अभी मैं मौजूद हूँ कह रही हूँ मेरी पार्टी तो छोटी सी वाली मतलब पैटीज पार्टी दे दो मुझे सिर्फ लोग मुख्य सजेशन दे रहे हैं जैसे आपके डोर्स भी जो है वो पेंट होने वाले हुए हैं फर्श भी सही करवा लो और सॉकेट भी चेंज करवा लो तो भाई मैं ये कहने लगी हूँ कि ना इतने पैसे नहीं है हमारे पास कि हम लोग ना सारा एक मिनट में करवा लें हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग एलीट क्लास नहीं है कि एकदम से पैसा खर्च कर लें क्यों आजम तो भाई देखें पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत महंगाई है तो खाने के साथ साथ खाने के साथ साथ चीजें मेंटेन करना इज नॉट ईजी हम मिडिल क्लास लोग हैं जो आईफोन रखते हैं है ना तो बेइज्जती कर दी गजब बेइज्जती कर दी आपने तो है ना मौजा गजब बेइज्जती कर दी गजब बेइज्जती सो अभी इतनी इंटरेस्टिंग चीज हुई है ना मैं हमेशा ही बात होती है कि जो आप सोचते हो ना चीजें आपके सामने वैसी आती हैं अभी हम लोगों ने ये बात बोला कि भाई हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं मौजम ने यूट्यूब ऑन किया और सजेशन में जो वीडियो आ रही थी वो मेरे कार में पड़ी मैंने कहा मौजम दिखा क्या कह रहा है क्या कह रहा है तो अभी जरा देखिए आप कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो और क्यों बात कर रही हो अभी मैंने ऑन किया सादी बीबीसी हिंदी की जो है ना सजेशन में वीडियो और पहला डायलॉग क्या आया तो वो मैंने ऑन किया मैंने बोला मैंने क्या बोला मिडिल क्लास किसने बोला मुझे पता ही नहीं था कि ये नितिन जी की वीडियो है भाई हरीम की तबीयत ठीक नहीं आज हरीम को बुखार हो गया हरीम आर यू ओके और हरीम से जब पूछो कि आर यू ओके तो बोलती है आई एम हैप्पी हरीम मेरा बच्चा भाई सब हरीम के लिए दुआ करें वैसे ये मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं अभी थोड़ी बेहतर है बट फिर भी बुखार तो इस वजह से थोड़ी पट्टी शट्टी कर रहे हैं ठंडे पानी से भाई ये है हरीम की आपू हरीम की डॉक्टर हरीम की टीचर हरीम का सब कुछ है ना हरीम तो अभी मैं अपनी कबर्ड साफ करूंगी क्योंकि टाइम हो गया है अभी जैसे कपड़े भी मौसम चेंज हो रहा है तो कपड़े भी जो है वो डेफिनेटली उठाऊंगी पुराने गर्मियों के कपड़े उठाऊंगी सर्दियों वाले कपड़े लेकर आएंगे लेकिन अभी मैं आपको दिखा दूँ जारू बाबा को जारू की ड्रेस किसने पहनाई है कितनी खुशी है नहीं नहीं जारू की बारी नहीं है ना जारू तो ओके है जारू हैप्पी है आप भी हैप्पी हो अब ये कह रही है जारू को भी पट्टियां करो इसको बुखार है भाई पट्टियां लगवा नहीं रही बड़ा मुश्किल होता है भाई बच्चों को संभालना तो भाई अभी मैं ये देखें सारी चीजें जो है वो कबर्ड में से निकाल कर साफ कर रही थी तो मुझे उसमें से मिली एक पोनी जो कि ये मेरी अम्मी की है ये हम लोगों ने खुद ही रखा हुआ है ये भी मेरी अम्मी का बैग है इस्तेमाल तो वैसे कोई भी नहीं करता बट ये कि हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है ना कहा बीच में से अभी मैंने देखा है ये डायरी निकली है और ये उस टाइम की डायरी है जब हम लोगों ने घर बनाया था और जो चीज़ें थी वो लिखी थी ये ग्लासेस हम लोगों को मिले हैं अपने पुराने बैग्स चेक करो और इसको कितनी ठंड लग रही है पता है मुझे आपकी तरफ साफ दिख रहा है इसमें से बड़ी चलाक हो गई फिर तो यार मैं कहती हूँ सामा आंटी क्या क्या भूल जाती हैं इसमें से निकाल लें सदियों पुराना ठीक है अब सामा जी को मैं सामा जी आपके लिए नए ग्लासेस मैं लेकर आई ठीक है अभी बज रहे हैं 7:30 ऑलमोस्ट और क्योंकि बिग बॉस स्टार्ट हो गया है तो मैंने उनको बोला था कि कलर्स नहीं आ रहा तो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली है सेट करें क्योंकि डिश का सारा काम सिर्फ अब्बू को आता है हम लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं आता
कि कैसे सेट करनी है। तो अभी जो सेटअप बॉक्स है इसके साथ आई थिंक कुछ पासवर्ड वगैरह जो है वो एंटर करना पड़ता है। ये सब्सक्रिप्शन जो है वो 3 महीने की हम लोगों ने 1000 रुपये में ली है। सो इसके साथ और भी बहुत सारे चैनल आएंगे लेकिन मेन हम लोगों को चाहिए था कलर्स, सो इसलिए कहा बना रही है नगेट्स। कहा जो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बिग बॉस देखा था वो कौन से ईयर में आया था, 2 साल पहले या 3 साल पहले आया था? सिद्धनाथ अला वो ऑयल गिर रहा है वो दे ऑयल गिर रहा था। ये मुझे लगता है मेरी बहन के काम है भाई क्योंकि उनको बहुत शौक है प्लांट्स का। वैसे अच्छा लग रहा है ना, ये पता नहीं कौन से वाली है लेकिन प्यारी लग रही है। और कहा बता ही दे सिद्धनाथ वाला कब देखा था हम लोगों ने? 3 साल पहले। 3 साल पहले देखा था ना। और ये मेरी मेहनती बहन आई काम करके। हाँ बिच हो जाता बुखार और अबू कर रहे हैं सेटेलाइट प्यार। सौ से जो दस चेक किया फिर अरे इन पट्टियां करने लग पे सा। हाँ। नहीं तेज से नहीं है भाई सामा जारू चमड़ गई। चलो जारू बंदर बन जाओ बंदर मामा के साथ। ये मैंने साइमाबाजी के लिए मंगवाई थी। सो साइमाबाजी थोड़ी मंगवाई थी मतलब अरे बाबा तो मिली है आज ना, मिली है आज ना। तो पहले मंगवाई थी पहले मैं पहनी थोड़ी थोड़ी दबंग दबंग दबंग। नहीं नहीं आप ज्यादा अच्छी लगी, आपने अच्छी ड्रेसिंग है। सो साइमाबाजी दिस इज फॉर यू। इधर आओ पहले तो लगाओ पहले पहन के तो दिखाओ। वाह दारू देखो मामा को ये देखो। थैंक यू। हाँ यार आप मेरी नियत पे शक कर रही हो, कहती किसकी है? कहा पार्सल आया मेरा आज। तू कितनी सोनी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है। समझ आ गया। देखो मैं कह रही हूँ चीटिंग नहीं करनी। सो नाउ ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। ये यहाँ से आया है। ये साड़ी ही है, ये हम दोनों ने ली थी जो आप पता नहीं सदियों से इसमें भूल कर रखी हुई है। मौजम ने ना अभी कमेंट पढ़ा है और मौजम चाह रहा है कि उस कमेंट का मतलब लाइट ऑन करना, जरा लाइट अच्छी आ जाएगी ना वरना बहुत डार्क डार्क लग रहा है। हाँ। सनी देओल की ना क्लास से ज्वाइन करना गरबा के लिए। हाँ तो मौजम कैसे करेगा? मैंने उस टाइम बताया मेरे तो वो प्रॉपर तरीके से भाई एक बार ये तो बस हंसता है और फिर करता है यारा ओ यारा मिलना। नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। और मौजम गरबा वाले स्टाइल में कहा मौजम हम डांस करके दिखा रहे हैं वॉशरूम में। अरे बाबा अभी कलर्स हमारा जो ऐड किया है देर तक बिल्कुल सही हो जाएगा या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कल होगा कब होगा, पर कोशिश है कि जल्दी हो जाए। 2 रुपए में ये देखें भाई मेरे दादा का मजा। यार सॉरी 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 हमने नहीं किया। कौन सा गाना लगा भाई साहब? कितना अच्छा गाना लगा ना। बदतमीज। तो गाइस भैया तो हम लोग बिग बॉस नहीं देख पा रहे क्योंकि बहुत ही अड़ अड़ के आ रहा है। होपफुली कल जो है हम लोग को देखने को मिलेगा, कल चैनल आ जाएंगे। और ये मेरी दो छोनी छोनी पारी पारी बच्चियां और गुड बाय कर दो सबको। गुड नाइट।